हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज का ये कुर्ता सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुर्ता सेट ना मैंने उनको मंगाए बहुत दिन हो गए थे, बट ना मैं को रिव्यू नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज इन लव विद दिस कुर्ता सेट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट मुझे इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, प्राइसिंग एंड सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये मैंने ना कैजुअल वेयर के लिए मंगाया था क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है एंड आप अगर मुंबई में रहते हो तो आपको पता है कि दिन में इतनी सर्दियाँ नहीं रहती। जो भी रहती है वो आपको सुबह के टाइम पे महसूस होती है या शाम में, तो दिन के टाइम पे आपको इतनी ठंडी नहीं रहती, ठंडी का गर्मी ही रहती है। तो हमारा एज सच कोई विंटर वेयर नहीं होता, बट हाँ मैं थोड़ा मोटा कपड़ा पहनने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ये हल्का कॉटन है, मोटा कॉटन होता है वो है। आगे आपको ऐसे तावीज़ पैटर्न मिल जाता है, स्लीव्स पे भी आपको धागे की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ये प्रिंटेड नहीं है, ये पूरा धागे की एम्ब्रॉयडरी है। इसकी जो लेंथ है वो मेरी घुटनों तक आती है, मेरी जो हाइट है वो 5'2" है, तो मेरे को ये परफेक्टली होता है। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो 3'4" है, तो बहुत ही अच्छे से इसका होता है। ये मुझे पड़ा था कुछ 699 या 799, आई एम नॉट श्योर। मैं इसका जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस अगर आपको बाय करना है तो, अगर और आप बाय कर लीजिए। नेक्स्ट आता है इसका पैंट्स। इसकी व्हाइट कलर की जो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, व्हाइट कलर की पैंट्स मैं इसके लिए ऑनलाइन मंगाने के लिए डरती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सी थ्रू रहेगी, बट ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका जो नीचे का कट पैटर्न लगता है ना, वो इसका बेस्ट पार्ट है इस पूरे कुर्ता सेट का। एंड ऊपर से आपको इसे लेस की डिटेलिंग मिल जाती है एंड अगेन वो जो थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी आपको स्लीव्स पे मिल रही है ना, वो स्लीव्स पे ये भी आप इसके साथ प्लेन दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो। एंड बेल्ट पे आपको पीछे इलास्टिक और आगे ऐसा बेल्ट मिल जाता है, जो मेरा फेवरेट है। अगर अभी तक आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा मुझे ये वाले पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक, क्योंकि क्या होता है मालूम, वो बल्कीनेस नहीं आता है सामने और पीछे आपको इलास्टिक का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड पीछे प्लेन है एंड ऐसे इलास्टिक का पैटर्न है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। ये इतनी लाइट्स के सामने मैं शूट कर रही हूँ इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है ये शूट वो है, मतलब सी थ्रू है बट इट्स नॉट सी थ्रू। तो नेक्स्ट बर्थ, अगर मैं इसका क्लोजअप बताऊँ आपको तो आप देख सकते हो इसकी जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनकेस अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।